Dear students, welcome to all of you. Today we are going to study the next topic, another lesson of subject science, that is light, shadows and reflection. ये 11th unit है, 11th unit है. So first of all, I will पीछे So first of all, I will teach you what is light. हालांकि इस पे हमने कल भी बात की, but so many students are absent. So today we study about this topic light. मैंने आपको बताया कि light जो होती है, light is a form of energy. Light is a form of energy. Light एनर्जी की एक फॉर्म है, सूरत है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन और साइट. यानी कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक सूरत है, जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं. क्योंकि आईज जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में आते हैं, तो इस लाइट की वजह से हम इस दुनिया को देख सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? यस सर. तो इस लाइट की वजह से हम दुनिया में जितने भी चीजें हैं, ये हमें नजर आते हैं. एज आईज आर द सेंस ऑर्गन्स, यही आंखें हमें देखने में मदद करते हैं, ये आंखें हमें चीजों को देखते हैं. इसीलिए लाइट है क्या बेसिकली? लाइट कोई ये हम हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो दो किस्म या तीन किस्म लाइट के, मतलब एनर्जी के होते हैं. बट दिस लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म और टाइप में फर्क होती है. फॉर्म होती है सूरत और टाइप होता है किस्म. सर पोटेंशियल एनर्जी ये एक किस्म है, काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे. बट दिस अब अगर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट अकर्स ड्यू टू मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको हम बताएंगे इस वक्त इसको क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. सपोज एक गाड़ी चलती है, तो अगर हम कहेंगे इस वक्त इसकी कौन सी एनर्जी है, विसे इट इज माय काइनेटिक एनर्जी. या फ्लोइंग वाटर, मूविंग विंड, इट इज द काइनेटिक एनर्जी. It is the kinetic energy because it object possesses it by its motion. By its motion. आपको समझ आ रहा है? Yes sir. Clear हुआ? Yes sir. अब अगर हम बताएंगे potential energy क्या है? Potential energy होती है अगर object को ये कहाँ मिलती है, कहाँ acquire होती है, हासिल होती है? Then it is in the rest. Then it is in the rest. Suppose अगर हम यहाँ पे this is a mountain, यहाँ पे mountain रखेंगे. इस माउंटेन पे अगर हम स्टोन रखेंगे, क्या होती है स्टोन वहाँ पे? हो गया क्लियर? यस सर. तो इस स्टोन को इस वक्त कौन सी एनर्जी है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज द स्टोन इज स्टैंडिंग, स्टोन इज एट द रेस्ट. नाउ इफ यू स्लाइड द स्टोन, अगर आप इस स्टोन को छोड़ दोगे, इट विल मूव बाय 20 years. यस ना? यस सर. तो इस वक्त इसको कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? यस सर. तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट इट्स रेस्ट. एट इट्स रेस्ट. क्लियर हुआ? यस सर. और काइनेटिक एनर्जी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को ये कहां मिलती है, मोशन में. यानी इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वी से इट पोजेस्ड द काइनेटिक एनर्जी. वाटर इज फ्लोइंग. वाटर इज फ्लोइंग. वाटर इज मूविंग, रनिंग इन द रिवर, वी से इट इज काइनेटिक एनर्जी. इसको कौन सी एनर्जी है? इस वक्त काइनेटिक एनर्जी. अब डैम में वाटर होता है, डैम में वो स्टैंडिंग वाटर होता है, उसकी मूवमेंट नहीं होती है. तो उस वक्त वाटर को कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. मैंने आपको बताया सपोज दिस इज अ डैम, दिस इज अ डैम, और यहाँ जो वाटर होता है इसको कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल. क्या बात? पोटेंशियल. क्लियर? यस सर. अब आपने देखा होगा डैम्स जो हम बनाते हैं वो ऊपर बनाते हैं, इन द
पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इस वाटर को हम छोड़ते हैं, इस पानी को हम छोड़ते हैं, इसको कौन सी एनर्जी मिलती है? काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे टर्बाइन रोटेट होता है। हाँ। आपने देखा होगा। यस सर। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल आउटलेट रखेंगे ना, ये कहीं बंद कर हो तुलोच में, ये खोल ये आप द्रब यल, आपको समझ आ रहा है? यस सर। नाउ द वाटर इज फ्लोइंग, बिफोर इट वॉज इन द रेस्ट स्टेज, नाउ इट इज फ्लोइंग। तो अब इसको कौन सी एनर्जी है? हो गया क्लियर? यस सर। तो मैंने बताया कि मोस्टली एनर्जी ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, बट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मोस्ट, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सूरत एनर्जी की कितने होते हैं? मिसाल विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना। अब हम या सोलर एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी लेंगे, सोलर एनर्जी इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, आपको पता है। एनर्जी में ये होता है कि इससे बॉडी क्या करती है? कोई काम करती है, कोई काम करती है। अब अगर इस सोलर एनर्जी में ये कैपेबिलिटी है कि ये कोई काम कर सके, तभी हम इसको एनर्जी कहेंगे। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो इसी तरीके से विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। दीज आर द फार्म, दीज आर नॉट द टाइप, दीज आर द फार्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। हो गया क्लियर? यस सर। हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दीज आर द फार्म ऑफ एनर्जी, बट मोस्टली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो इसके बाद क्या होता है, हमने कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स, इज जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, बस हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसी तरीके से लाइट एनर्जी भी होती है। क्लियर? समझ आ रहा है? नाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन, जिससे हम कोई चीज देख सकते हैं, यानी कि कोई चीज जिससे हम इस दुनिया को देख सकते हैं, एक दूसरे को दूर देख सकते हैं, बाय द आईज विच आर एज द सेंस ऑर्गन। अब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं शबाश, जो जो हमें लाइट अपनी लाइट होती है, दैट गिव्स द लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी ओन लाइट होती है? ओन ऑब्जेक्ट्स शबाश, सन, ओन ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट, देयर ओन लाइट, ओन लाइट जिनकी अपनी लाइट होती है, ये किसी से हासिल नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैंडल, सन, सन हम रखेंगे बल्ब है ना, बल्ब, टॉर्च एटसेट्रा। तो दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये किसी से पहले हासिल नहीं करते हैं। हो गया क्लियर? यस सर। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, यानी कि जिनकी लाइट नहीं होती है, बाकी लाइट इन पे पड़ती है तभी हमें ये चीजें नजर आती है, विच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स शबाश, हैव देयर ओन लाइट, वेरी गुड, ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल मून, मून टेबल शबाश, अर्थ चेयर, टेबल यस सर, अर्थ ट्री, अर्थ चेयर, पेन, टेबल एटसेट्रा। मामा क्लियर? तो ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अपनी लाइट नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जो है मून आपको ख्याल है, ये सन से हासिल करती है, ये सन से हासिल करती है लाइट, इसीलिए मून इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हो गया क्लियर? समझा? लास्ट वन समझा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब जब लाइट पड़ती है, मैंने आपको बताया लाइट में, जब लाइट किसी हम चीज को कैसे, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, देन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सपोज दिस इज द लाइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है,
हम जा रहे हैं yes, sir. ये सनलाइट इस सन की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और यहाँ हम एक इंसान को रखेंगे. When this light falls on this object, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है फिर ये लाइट वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है. क्या होती है? दिस इज द इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट रे तो यहाँ से किसी चीज पे पड़ती है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट. और जो वहां से वापस आती है क्या भाई? दैट इज रिफ्लेक्टेड. दिस लाइट इज दिस ओवर दैट इंसिडेंट रे, यानी कि ये रेज में होते हैं. क्या होते हैं? रेज में. जो शिक्षण ही मासन, तो जो रे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी सोर्स लाइट सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो रेज में पड़ती है. किसमें पड़ती है? रेज. इस वक्त सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेज. तो अब जो रोशनी हम तक पहुंचती है, दिस लाइट इज द इंसिडेंट लाइट. और जो लाइट अब यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, जो वापस जाती है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे. हो गया क्लियर? समझ गए? यहाँ पे हम बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, लेट इट इज अ कैंडल, या यही सन हम लेंगे. दिस इज अ सन, दिस इज अ सन. ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है? यस सर. ये सनलाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, नजर आता है आपको? ठीक, हो गया क्लियर? अब यहाँ पे एक ये मान लो ये इंसान है, मैं बोला फिर दिस इज द मैन. आपको समझ आ रहा है? अब ये इस इंसान को इस चीज की शक्ल नजर आ रही है. कैसे? मैंने आपको बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. डिफिनेशन, पहली डिफिनेशन की तरफ जाएंगे. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं. तो अगर ये अब लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब ये किसी चीज से पड़ती है तो फिर हम इस चीज को देख सकते हैं. तब तक हम इस चीज को नहीं देख सकते. यानी कि पहले इस चीज पे क्या लाइट पड़नी चाहिए, फिर हम उस चीज को देख सकते हैं. नाउ अब सन की लाइट इस चीज से पड़ती है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और दिस इन रेज इज नोन एज इंसिडेंट रे. क्या? रे, आर ए वाई रे, इंसिडेंट रे. और जो अब वापस आती है, आपके तो अब यहाँ से ये वापस जाती है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट. और जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट, एक सेकंड, रिफ्लेक्टेड जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ इस पे पड़ती है, इसके आंखों पे पड़ती है, रिफ्लेक्टेड लाइट किस इंसान से जो लाइट वापस आती है, ये इस ह्यूमन के आंखों पे पड़ती है, तो फिर ये इसको देख सकता है. रिटिना, आई में लेंस होता है रिटिना, तो जिससे ये देख सकता है. तो यानी कि इस वक्त हम चीजों को देखते हैं, इसका मतलब होता है कि सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है और फिर यही लाइट वापस हमारी आंखों तक जाती है, तभी हम इस चीज को देख सकते हैं. रात के अंधेरे में हमें चीजें नजर नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट उस टाइम उन चीजों पे नहीं पड़ती है. हो गया क्लियर? yes, तो आपको क्या समझ है? लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फार्म ऑफ एनर्जी. क्लियर? इसके बाद हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी लाइट नहीं होती. जिनको अपनी लाइट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जिनको नहीं होती, मिसाल सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. समझ आ रहा है आपको? तो टॉर्च इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. समझ आया? इसी तरीके से बल्ब इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कैंडल इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हाउस इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ट्री इज ए, मैन इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अर्थ. तो इन चीजों पे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे शबाश लाइट पड़ती है और फिर हम देखते हैं. अब ऑन द रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तब ही हमें ये नजर आएंगे. जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो सबसे पहले इन पे लाइट पड़नी चाहिए, फिर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तब ही एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म,
इनको देख सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है? यस सर। इसके बाद बस इतना ही। कितनी हो गए? हो गए बांध कर।